अगर आप भी डीजीपी बनना चाहते हैं या डीजीपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, देन यू मस्ट वीडियो वॉच टिल एंड। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीजीपी क्या होता है एंड डीजीपी का काम क्या होता है, और डीजीपी बनने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए डीजीपी बनने के लिए, एंड हम डीजीपी कैसे बने, और लास्ट में हम डीजीपी वेतन एंड इनको मिलने वाली पर्क्स एंड फैसिलिटीज के बारे में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हैकर, एंड लेट स्टार्ट वीडियो विद टुडेज वीडियो टाइटल, हाउ टू बिकम डीजीपी ऑफिसर। सबसे पहले जानते हैं डीजीपी क्या होता है। डीजीपी का फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। दोस्तों, डीजीपी पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद होता है। डीजीपी को हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहते हैं। हर राज्य में एक डीजीपी या डीजीपी के समान चार पद होते हैं। किसी भी राज्य में डीजीपी पुलिस का हेड होता है। वर्क ऑफ डीजीपी यानी डीजीपी का काम। डीजीपी का कार्य यह होता है कि वह अपने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखे। डीजीपी नियमित रूप से अपने अंदर आने वाले सारे पुलिस विभागों का निरीक्षण करते हैं। डीजीपी अपने अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रोत्साहन करते हैं। डीजीपी को हर वर्ष राज्य सरकार को राज्य की कानून व्यवस्था, राज्य में अपराध दर की रिपोर्ट देनी होती है। डीजीपी बनने के लिए योग्यता। डीजीपी बनने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट या किसी भी सब्जेक्ट से अच्छे अंकों के साथ पास करनी होती है। डीजीपी बनने के लिए आपको कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करना है। डीजीपी बनने के लिए आपको यूपीएससी की आईपीएस परीक्षा को अच्छे अंक के साथ पास करना होता है, क्योंकि सिर्फ आईपीएस ऑफिसर ही डीजीपी बन सकते हैं। एज लिमिट। जैसा कि आप जानते हैं कि डीजीपी ऑफिसर सिर्फ आईपीएस ऑफिसर ही बन सकते हैं, इसलिए इसकी आयु सीमा भी आईपीएस ऑफिसर परीक्षा के अनुसार तय की गई है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की गई है। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा इस परीक्षा में कुछ छूट दी है। ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इस आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। एंड एससी एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। डीजीपी कैसे बने। दोस्तों, डीजीपी ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वह है प्रमोशन। आईपीएस ऑफिसर प्रमोशन होकर डीजीपी ऑफिसर बनते हैं। दोस्तों, डीजीपी ऑफिसर बनने के लिए आपको सबसे पहले 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास करनी होती है। 12वीं करने के बाद आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करें। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद आपको आईपीएस ऑफिसर की परीक्षा देनी होती है। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल होते हैं, वही आगे चलकर प्रमोशन के द्वारा डीजीपी बनते हैं। यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली आईपीएस की परीक्षा बहुत ही कठिन होती है, और इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको निरंतर मेहनत करना होता है। आईपीएस की परीक्षा पास करने के बाद आपको आईपीएस पद पर पुलिस विभाग में नौकरी मिलती है। पुलिस विभाग में आपके कार्य को देखते हुए प्रमोशन दिया जाता है। आईपीएस के बाद आपको एएसपी का पद प्राप्त होता है। एएसपी पद में कुछ समय काम करने के बाद आपको प्रमोशन के द्वारा एसपी बनाया जाता है। एसपी पद के बाद आपको एसएसपी पद के लिए प्रमोशन मिलता है। एसएसपी पद के बाद आप डीआईजीपी पद के लिए नियुक्त होते हैं। डीआईजीपी पद के बाद आपको आईजीपी पद के लिए प्रमोशन होता है। आईजीपी पद के बाद आपको एडीजीपी के पद पर नियुक्ति मिलती है, एंड एडीजीपी के बाद आपको डीजीपी पद के लिए प्रमोशन मिलता है, और इस तरह से आप डीजीपी बन जाते हैं। सो फाइनल जानते हैं डीजीपी को मिलने वाली सैलरी के बारे में। डीजीपी पुलिस विभाग का सबसे ऊंचा पद होता है, इसलिए डीजीपी को पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। डीजीपी को हर महीने 56,000 से लेकर 2,25,000 रुपए तक की सैलरी प्राप्त होती है। साथ ही साथ हर महीने डीजीपी को ग्रेड पे भी मिलता है। पर्क्स एंड फैसिलिटीज। डीजीपी को रहने के लिए एक सरकारी निवास तथा उस निवास के साथ कई सारे कर्मचारी होते हैं, जैसे चौकीदार, रसोई। डीजीपी को एक सरकारी वाहन भी प्राप्त होता है, और सरकारी वाहन के साथ ड्राइवर की सुविधा भी मिलती है। मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधा भी मिलती है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री टेलीफोन की सुविधा भी मिलती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो के लिए लाइक करें एंड चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।